फ्रेंड्स, इट्स मी रिया एंड इट्स रियास किचन। आज हम बनाएंगे एग मलाई करी। ये आपने जरूर रेस्टोरेंट में ट्राई किया ही होगा, मगर ये घर में भी बनाना उतना ही इजी है। मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाएं और मेरी हर एक न्यू वीडियो की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। और मेरी बहुत सारी कमेंट्स आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोग मेरी गलतियों को सुधार रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स। के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड आलू मैंने कर लिया है, आलू को अच्छे से बॉइल कर लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, यहाँ मैंने क्रीम लिया है और मसाले में हमको चाहिए हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और घी। और हमें इसका पेस्ट बनाना है इन तीनों का। जैसे यहाँ लिया है मैंने खसखस, सरसों और काजू। इसके साथ हम लेंगे 3-4 हरी मिर्च, ये हमें एक साथ पेस्ट कर लेना है। और अलग से हमने इसके, अब हम गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने के लिए देते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम इसमें तेल डाल देंगे, सरसों का तेल, और फिर तेल को थोड़ा गर्म होने के लिए रखेंगे। हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम एक बोल के अंदर, छोटे वाले बोल के अंदर पेस्ट बना लेते हैं खसखस। हमने यह 1 स्पून दिया सरसों, मैंने यह व्हाइट सरसों सीड्स लिया है 1 चम्मच, और काजू, यहाँ मैंने 1.5 चम्मच काजू दे दिया। अब इसको अच्छे से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के टाइम हम इसमें, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो उसी हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हैं, या तीखा कम खाते हैं तो कम मिर्ची डालिए। मैंने यहाँ 3 चम्मच और काजू 1.5 चम्मच देके मैंने इसको 4 हरी मिर्च के साथ इसको ब्लेंड कर लेना है। अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी, ब्लेंड करके एक पेस्ट रेडी करूँगी। मैंने पेस्ट को बना लिया है, मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। देखिए ये पूरा पेस्ट हो चुका है, हल्का सा दाना दाना खसखस की वजह से ज़रूर रहेगा, मगर ये बहुत ही पेस्ट होने से अच्छा होगा। और ये जितना हो सके आपको पेस्ट करना पड़ेगा, मैंने भी उतना ही पेस्ट किया है, इतनी कंसिस्टेंसी रहने से भी होगी। अब हम तेल, हम हमारा गर्म हो चुका है, अब हम हल्के से आलू को फ्राई कर लेते हैं। तेल में हम आलू डाल देंगे एक एक करके। हमने तेल में पूरा आलू दे दिया है, अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए रखेंगे। हल्का लाल या गोल्डन कलर फ्राई हो जाने पे हम इसको उतार लेंगे। इसमें हम हल्दी भी डाल सकते हैं आप चाहे तो, मैंने अभी नहीं डाला है। एक तरफ हम जब फ्राई हो जाएगा, दूसरी तरफ जब हम पलट लेंगे, हम ऊपर से हल्का सा हल्दी छिड़क देंगे। मेरा हल्का सा फ्राई हो चुका है, हल्का जस्ट कलर आने तक, देख सकते हैं आप लोग। मैंने गैस को हाई फ्लेम में रखा है। अब हम थोड़ा इसमें 1 चिमटा हल्दी ऊपर से छिड़क देते हैं तो आलू में कलर भी आ जाएगा और थोड़ा स्मेल भी रहेगा अच्छा सा। और थोड़ा नमक ऊपर से दे देते हैं। मैंने जब आलू बॉईल किया था, आलू को मैंने नमक दे के ही बॉईल किया था, नमक को दे के, पानी में नमक डाल के मैंने आलू बॉईल किया था। मगर इसमें देने से जब आलू हम कढ़ी में डालेंगे या हम जब भी कुछ बना रहे हैं सब्जी, अगर ये फ्राई करने के टाइम अगर हम थोड़ा नमक दे देते हैं तो इसमें थोड़ा टेस्ट रहता है, आलू एक टेस्टी सा स्पाइसी सा रहता है। मेरा आलू अच्छे से फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं मैंने पूरे हल्के एक गोल्डन कलर में आ जाने तक मैंने इसको फ्राई किया है। हर एक तरफ को मैंने ऐसे फ्राई कर लिया है। अब इसको हम उठा के एक साइड पे कर लेते हैं।
हम आलू को साइड पे कर लेते हैं। मेरा आलू पूरा बन चुका है, अब हम इसको साइड पे रख देंगे और कढ़ाई को हल्का सा गर्म रखेंगे कि इसमें प्याज भी हम फ्राई कर सकें। हमने उसी तेल में मेरे प्याज को डाल दिया। मैंने यहाँ बड़ा डेढ़ बड़ा प्याज लिया है, डेढ़, एक लिया है बड़ा और एक छोटा लिया है, और इसको मैं ऐसे फ्राई करेंगे हल्का सा। इसमें हम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, इससे हमारे ऑनियन में, प्याज में अच्छा कलर आता है फ्राई के लिए, क्योंकि चीनी कैरामलाइज हो जाता है तेल में और एक अच्छा सा सेंट देता है, प्लस कलर आता है प्याज का। अब हम प्याज को लाल होने तक फ्राई करेंगे, और फ्राई होने के साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, साबुत जीरा और एक तेज पत्ता, इसको हम तोड़ के डालेंगे। थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दिया हमने जीरा को। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि तेल गर्म होता है और ये जल जा सकता है, तो इसकी सेंट भी चली जा सकती है, तो इसको हम प्याज के साथ डालेंगे तो इसकी सेंट भी रहती है, इसकी स्मेल भी रहती है और ये जलता भी नहीं है। इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको अब हम लाल होने तक फ्राई करेंगे, हल्का लाल होने तक, ज़्यादा लाल ना हो जाए कि ये जल जाए, हल्का लाल होने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज मेरा हल्का लाल हो चुका है, मैंने प्याज को मीडियम फ्लेम में फ्राई किया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, जैसे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ मैंने एक स्पून लिया है, छोटा एक स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अब इसको हम हल्का से टॉस करने के बाद इसमें हमने जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे, हल्का से 2 मिनट का टॉस करेंगे इसको। हमने इसको 2 मिनट तक टॉस कर लिया है हल्का करके। अब हम इसमें डाल देते हैं हमने जो पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट को हम डाल देंगे। ये छिड़क सकता है इसलिए हमने लाइट फ्लेम में ही पूरा पकाया है, और इसको हम लाइट फ्लेम में ही पकाएंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा पानी डालेंगे इसमें। पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, अब इसमें हम डालेंगे पानी। मैंने कटोरी में ही डाल लिया है पानी, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ था कटोरी में उसको मैंने धो के इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस को धीमी आंच में रखेंगे और कंटिन्यूसली स्टेयर करेंगे। धीरे धीरे पानी सूख जाएगा और ये करी थोड़ा टाइट होता जाएगा, जब तक नहीं होता तब तक इसको स्टेयर करते जाएंगे। मेरे ये अच्छे से फ्राई हो गया, मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, देखिए तेल रिलीज कर रहा है। जब ही तेल निकल जाएगा मसाले से, तभी आपको समझना पड़ेगा कि ये मसाला पूरा रेडी हो चुका है। अब हम मसाले को अच्छे से स्टेयर करने के बाद इसमें डाल देंगे आलू, और फिर से इसको हल्का सा टॉस करेंगे और इसमें पानी डालेंगे। अब आलू को हमने अच्छे से स्टेयर कर लिया है, अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे, अंदाजे के हिसाब से डालेंगे। हल्का सा करी करना है तो हम लोगों को हल्का लगेगा, और आलू भी ऑलरेडी बॉयल है तो उसी हिसाब से हमको डालना पड़ेगा। हमने यहाँ आधा कप पानी डाल दिया है, अब इसको हम थोड़ा बॉयल होने के लिए देते हैं। हल्का सा उबाल आएगा तो इस पर हम डालेंगे क्रीम और जो मसाले के अंदर पड़ता है घी
घी को भी हम डालेंगे। पहले हम इसको हल्का सा रेस्ट दे लेते हैं। आलू को 2 मिनट रेस्ट देने के बाद कुछ ऐसा हल्का टाइट करी जैसा बनेगा। तब इसमें हम डाल देंगे क्रीम। मैंने यहाँ कुछ 4 चम्मच जैसा क्रीम लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ता जो मैंने बारीक करके काट रखा था, चॉप करके रखा था। फिर इसको हम अच्छे से हिला देंगे। जब हमारा करी पूरा बन चुका होगा, जैसे मेरा पूरा बन चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो इस डिश की खासियत है, अंडे। मैंने यहाँ कुछ अंडे हाफ बॉईल करके रखा है। आप चाहे तो इसको हाफ बॉईल भी कर सकते हैं। हाफ बॉईल करने से अंडे के अंदर हर एक टेस्ट जाता है, हर एक स्पाइसेस जाता है। तो मैंने यहाँ 2 को हाफ बॉईल किया है और 2 को फुल बॉईल किया है और इसको अच्छे से मैं हिला लेती हूँ। और मैं फिर से गैस को लाइट फ्लेम में देखिए, थोड़ा सा हल्का सा पानी, जस्ट 2 या सिर्फ 3 चम्मच पानी देके इसको फिर से कुछ मिनट का रेस्ट दूंगी। दो मिनट का मैं रेस्ट देती हूँ इसको। फिर हम इसको लास्ट तक रेडी कर लेंगे। अब हमारा ये पूरा बन चुका है, पूरा करी बन चुका है हमारा। अब इसमें हम लास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए कुछ काजू और किशमिश, ऊपर से डाल देंगे, और घी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं। थोड़ा स्मेल आएगा, टेस्टी बनेगा। अब इसको हिला देंगे और हम गार्निश के लिए रेडी कर लेंगे। अभी हमारा रेडी हो चुका है, हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करने के लिए रेडी कर लेंगे। अब हम गार्निश करके सर्व करेंगे। मेरा एग मलाई करी पूरा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़रूर थम्स अप दें। मेरी हर एक अपडेट्स को आप ज़रूर लाइक करें, ज़रूर पसंद करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।